का वफलैंड है, वो ऑलरेडी जो है उसका मुंतखब है, गजीट है, सर्वे रिपोर्ट है, हर चीज़ है। ये देखो आप, तो हम लोग जो है ना अभी रिव्यू, आज रिव्यू करें पूरे स्टैंडिंग काउंसिल को बुला के, हाई कोर्ट के वगैरह के, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑनलाइन बात करें, बात करके हम लोग जो है ना वहाँ पर भी कंसल्ट कर रहे हैं और सीनियर को लगा के जो है ना फिर अपील को जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ पर रुजू होके उसको छोड़ेंगे ना, हम खामोश नहीं बैठ सकते। हो वफलैंड ऑलवेज वफ रहता, क़यामत तक वफ रहता, हो कुछ भी मैनेज करके कुछ भी वहाँ पर कर लिए तो हमारे को उससे मतलब नहीं है, हम वो लैंड को छोड़ेंगे नहीं। वफ ट्रिब्यूनल में भी हमारे फेवर में हुआ था, हाई कोर्ट में भी हमारे फेवर में हुआ था, फिर उसके बाद में वहाँ जाके जो है वहाँ पर क्या करे वो नहीं मालूम, मगर हम लोग हर चीज़ डॉक्यूमेंट है, हमारे को परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है, पूरी इतनी फाइल है उसकी, फाइल क्या है उसकी। अगर सीएम केसीआर अगर सेकुलर होते, इधर सुनिए आप, तो 20 जरा एक एक नहीं नहीं साहब, आप इसका जवाब दीजिए, इधर देता हूं मैं, आखिर में बोलते हैं आप केसीआर सेक्युलर है, बोले तो बिल्कुल सेक्युलर है, इधर सुना आप, ये है सुप्रीम कोर्ट को तो कोई रोक नहीं सकते ना, जज को फैसला था, सीएम का रोल नहीं रहता वहाँ, फैसला गवर्नमेंट के पास आया ना साहब, केसीआर गवर्नमेंट के हक में आया। इधर सुनिए आप, केसीआर गवर्नमेंट रहो या कोई भी गवर्नमेंट रहो, ये पहले से चलते हुए आ रहा सो है, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी दिए जमीना, टीडीपी गवर्नमेंट में भी उठा के दिए जमीना, जमाने से चलते हुए आए। ये जो है ना मतलब वफ नहीं है समझ के जो है ना, मतलब इनाम लैंड है, वो लैंड है, ये लैंड है बोल के चला ये लोग, मगर ये वफ लैंड है, मैं बोल रहा हूँ आपको इंशाल्लाह ताला ये क़यामत तक वफ रही थी, फिलहाल खुश हो जाने का नहीं है, जीते बोल के वैसा कुछ भी नहीं है, वो टेक्निकल टाइप में दिया उन्होंने ऑर्डर, उसके अंदर जो है ना कंपोजिशन दे बोल के भी एक ऑर्डर दिया, चार पाँच ऑर्डर है वो, तो उसको हम लोग जो है ना अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर रिव्यू करेंगे। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी, हम लोग स्टैंडिंग काउंसिल भी यहाँ हमारे हाई कोर्ट के वफ ट्रिब्यूनल के सबसे हम लोग मशवरा करें, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी मैं अभी बात करें सब के सामने हम, उसके बाद में उन्होंने भी बोले कि ठीक है अपन रिव्यू करेंगे इसको, फिर जाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में रुजू होंगे हम लोग, हम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे इसको, क्योंकि हमारे को अल्लाह को जवाब देना है, या किसको भी जवाब देना नहीं है, अल्लाह से डर के करना है, ये एक चीज़ है। रही दूसरी चीज़ जो है शामीर पेट की मस्जिद, ये लिया गया इनके मशवरे से ही, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ना उज़ैफ़ अहमदी बोल के जो जज के बेटे हैं उन्होंने है, बहुत से अभी दीवान साहब बोल के है वहाँ के सीनियर एडवोकेट को, 8 एडवोकेट को लगाए हम लोग सीनियर वहाँ पर, एक दो भी नहीं, सीनियर पे सीनियर, फिर जो दरगाह वाले भी जो है उन लोगों का भी लगाए, ऐसा करके 12 से 15 एडवोकेट हमारे सीनियर थे वहाँ पर। अरे भाई एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ मगर मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर वफ लैंड है बस। हाँ भाई, तो हम लोग अब अपील को जाएंगे, उसको लायरों से पूरा डिस्कस चल रहा, कल से चल रहा हो, सब हर चीज दिए, हर चीज है वहाँ पर, कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज, कोई पेपर की कमी नहीं है, अल्लाह के करम से हर पेपर पेश करे वहाँ पर। जज का मामला है, डबल बेंच का, उन्हें कुछ भी कर सकते, मगर हम लोग भी जो है ना खामोश नहीं बैठते, हम भी फिर रुजू होंगे सुप्रीम कोर्ट से और रिव्यू करेंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू करके हम इसको खामोश तो नहीं बैठ सकते। वही प्रोसीजर चल रहा हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हर चीज है, उन लोगों के खिलाफ खड़ा करें हम लोग, गवर्नमेंट थोड़ा ही वहाँ पर ऑफिस बनाई, वहाँ पर जाके कुछ कलेक्टर ऑफिस बनाई या कुछ बनाई तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे, गवर्नमेंट नहीं बनाई वो, वहाँ बिल्डिंग बने हुए मल्टीनेशनल बिल्डिंग आ गए वहाँ पर कारपोरेट ऑफिस आ गए वहाँ पर, कांग्रेस टीडीपी के दौर में हुआ है सब धनाधन। हाँ वो पहले की गवर्नमेंट बेची हो, ये गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ है, ये पूरी चोरी की अम्मा, ये गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ, पूरा चोरों की अम्मा कांग्रेस, टीडीपी कांग्रेस के दौर में ही पूरे कब्जे हुए वहाँ पर, पूरा गवर्नमेंट दी होंगी पहले की, ये गवर्नमेंट में हम आने के बाद में 5 साल के दौर में तो एक जमीन भी हम लोग अलाट नहीं करे हम लोग, हम उसको रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को फिर जाएंगे हम लोग, खामोश थोड़े बैठेंगे हम लोग।
ये फैसला आ गया बड़ा केस है साहब आपके पूरे ये 5 साल के। हाँ भाई ये केस तो कब से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है सर। 1950 ये अपने पास जो निजाम चल रहा है, सुने अब मई तो अभी 5 साल हो रहा है के, तो आपके हिसाब से तो हमारे पीरियड में तो अभी रुकाते के हमला सीनियर एडवोकेटों को रखते हैं कांग्रेस और टीडीपी सबसे ज्यादा। बिल्कुल ये देखो अब जब से चलते आ रहा ना भाई केसीआर साहब की गवर्नमेंट तो अभी आई, उन्होंने हाथ धो लिए। नहीं उन्होंने इन्वॉल्व नहीं है उसमें, उनको कंसर्ट ही नहीं है, उनको पैसे की कमी नहीं है। केसीआर साहब उल्टा देते हैं, उन्होंने लेते नहीं।